हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर शो जहाँ पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले एम स्टूडेंट्स को आज हमारे साथ है हेमंत पाल जिन्होंने स्कोर किए थे सिक्स सिक्सटी वन मार्क्स इन इज सेकेंड अटैम्प्ट तो हेमंत वेलकम टू द शो थैंक यू मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको नीट करना है और किसी और फील्ड के लिए नहीं जाना है एक्चुअली uh, मेरे को बायोलॉजी एज एवरी मेडिकल स्टूडेंट जिसे बायोलॉजी पसंद होती है और मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था कि मेरे को भी बायोलॉजी पसंद थी मेडिकल पसंद था और डॉक्टर्स को मैंने जब देखा था ना जब मेरे घर में जब भी बीमार होते थे तो मिलने तो जाते हैं फैमिली मेम्बर से तो जब देखा था मैंने डॉक्टर्स को ट्रीट करते हुए तो मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया था कि अच्छा। ये कैसे इतनी बुरी कंडीशन में भी ठीक कर पा रहे तो वहाँ से एक थोड़ा स्पार्क लगा था कि हाँ डॉक्टर बनना है और बायोलॉजी तो पसंद थी तो बस जल गई मेडिकल <laughs> <medical. laughs> तो आपकी फैमिली में और कोई भी डॉक्टर है या फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर तो कैसा लगता है पेरेंट्स को सोच के कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर आपको कैसा लगता है मुझे तो लगता ही है कि हाँ <laughs> बड़ी चीज कर रहा हूँ कुछ और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है वे तो बोलते हैं कि मतलब जब भी कोई रिलेटिव में या फिर घर में बीमार होता है तो पहले सजेशन मेरे से ही लेने आते हैं भले ही मैं फर्स्ट में, में मुझे ना, पता ना हो <laughs> लेकिन वो टैग मिल चुका हाँ, है डॉक्टर हाँ, वो मिल चुका है घर में किसी का भी ई वगैरह आता है दिखाने ले आते हैं अभी मेरी रिसेंटली दादी की भी तबीयत खराब हुई थी तो दवाई वे सब मेरे से पूछ रहे थे अब मेरे को इतना पता नहीं था थोड़ा बहुत पता था अच्छा ठीक है राइट राइट बट हाँ ठीक right, right. हाँ, है ओवर द ईयर्स ट्रेनिंग के साथ आप, आप सीख ही जाओगे अब तो बट गुड थिंग की ऑलरेडी लोग आने लगे डॉक्टर कंसिडर करने लगे आपको तो आपका इलेवन ट्वेल्थ का जर्नी कैसा था कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे अटेंडिंग स्कूल था नॉन अटेंडिंग आपका था। तो कोचिंग को कैसे टाइम देते थे स्कूल को कैसे टाइम देते थे सेल्फ स्टडी को अगर आप उस जर्नी के थ्रू वॉक उस जर्नी को के बारे में बता सके हमें में मैंने मेनली तो मतलब बोर्ड्स पे किया था नीट पे भी साथ साथ कर रहा था पर इतना नहीं कर पा रहा था Uh, क्योंकि इतनी गाइडेंस वगैरह थी नहीं मेरे पास और फिर हाँ और कोचिंग में मतलब एज uh, इन मेरे को इतना वो नहीं था कि थोड़ा मतलब होता है ऑफलाइन कोचिंग में ऑनलाइन का मेरे को इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें हम लेक्चर्स को फिर से देख सकते हैं ऑफलाइन में नहीं, नहीं। एक बार ही आपका लेक्चर हो गया आपका मिस हो गया तो एलेवंथ में भी ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मेरे को टाइफॉइड uh, हो गया था तो उस वजह से मेरे दो महीने के लेक्चर स्किप हो गए थे जिससे मेरा पूरा इलेवेंथ खराब हो गया था और ट्वेल्थ मेरा फिर भी ठीक ठाक हो गया था तो जब मैंने नीट दिया था तो इतना अच्छा नहीं हो पाया था फिर हाँ फिर ड्रॉप लिया था तो उसमें मैंने ऑनलाइन किया था अच्छा हाँ ऑनलाइन वाज बेटर देन द ऑफ राइट तो आप पहले मतलब इलेवेंथ में स्कूल जाते थे फिर कोचिंग जाते थे तो यूजुअली सेल्फ स्टडी का नहीं टाइम मिलता था हाँ इतना नहीं मिल पाता है ऑफलाइन में यही होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है राइट 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 ट्वेल्थ में भी आपका यही सेम रहा हाँ

एज uh, सच मैं कहूँगा अब तो नहीं रहा है पहले जो आते थे नीट के पेपर उनमें right. काफ़ी ज़्यादा होता था right. पर अब क्या हो गया कि एन सी आर टी तो पूरा बस एक है कि बोर्ड्स में कि आपको लिखना आंसर को उसमें uh. सिर्फ आपको एक टिक मारना है देखते ही वही फैक्ट आते हैं right. और फिज़िक्स में भी न्यूमेरिकल्स इतने टफ़ नहीं पूछते अब राइट 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 तो आपको लगता है कि साथ साथ कर सकता, हाँ, तो? तो को सकता लो, हाँ, मतलब फ्री का भी बहुत कॉन्टेंट हाँ, है, है जो आप देख सकते हो बहुत मोर देन इनफ है राइट 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 ठीक है तो ठीक है तो आपने मतलब पहली बार दिया फाइव थर्टी आप बोल रहे हो आपके स्कोर आया राइट तो उसके बाद क्या था डीमोटिवेशन था या पता था कि यार एक बार तो आ गया है था कि यार मेरे को फिर से देना है सेटिस्फाइड नहीं था ठीक है तो उस साल में आपने फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किया आ, हाँ मैंने ऑनलाइन किया था पर मैं इतना मतलब ऑनलाइन में पहली बार कर रहा था तो मेरे को इतना गाइडेंस नहीं था तो मैंने आ, दिया थोड़ा खुद से प्रिपेयर किया यूट्यूब से और ऑनलाइन एक जगह से किया था मैंने पर वही ऑनलाइन में एक डिसएडवाटेज है कि आपके आ, जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में क्या होता है टीचर्स बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर जाते हैं एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग में कभी कभी right. uh, तो है? ये होता है ऑनलाइन में तो इससे क्या होता है बच्चों की कॉन्टीन्यूटी भी मिस हो जाती है okay. uh, uh, तो आपको एक टीचर से पढ़ने की आदत हो गई एंड देन वो बीच में चले तो. गए तो right. राइट तो वो उससे प्रॉब्लम होते हैं मेरे साथ भी हुआ था तो उससे थोड़ा मतलब सिलेबस ही थोड़ा हो गया था तो उतना अच्छे से नहीं हो पाया था बट फिर भी मैंने दिया था तो ट्वेंटी वन में मेरे को एक्चुअली बाहर का कॉलेज मिल रहा था दिल्ली से बाहर का तो पर मैंने वो लिया नहीं था मेरे को था कि डेली का ही ले में क्या स्कोर रहा आपका मेरा 580 के अराउंड था यानी पचास साठ नंबर का आपने इम्प्रूवमेंट किया आ, उस साल तैयारी करके ठीक है ठीक है तो फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद मेरे को था कि बाहर तो नहीं लेना है दिल्ली में ही लेना है कॉलेज तो जो भी हो क्योंकि फिर बाहर का होता है कि मेरे पेरेंट्स भी थोड़े मतलब आ, रहते कि केयर वाले थोड़े ज्यादा तो उन्हें रहता है कि हाँ वो बाहर नहीं भेजना चाहते थे आपको हाँ बाहर नहीं भेजना चाहते थे हाँ तो वैसे तो फिर इसलिए मैंने एक और बारी ट्राई करने का सोचा और तब में... नहीं लगा यार एक साल तो फिर से एक साल कर पाऊंगा या नहीं डाउट नहीं होता था, था नहीं हो था। मेरे को ख़ुद पे डाउट नहीं था मेरे को था कि हाँ मेरे को ये था कि जब मैंने दिया ना सेल्फ एनालाइज किया तो मेरे को पता चला कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी अच्छा। मुझे ख़ुद पे कॉन्फिडेंस तो था कि मैं कर लूंगा आराम से तो फिर वही और मेरा भाई भी मेरे को है ना मतलब एनालिसिस और मेरे को गाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो मेरे भाई हरिओम वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बाकी मम्मी पापा को था कि तो अपनी मर्जी से कर तुझे जो सही लगता है तेरी खुशी में ही वही खुशी है हर माँ बाप की जो होती है हाँ तो माँ बाप का सपोर्ट था तो मैंने फिर से ट्राई किया और उस बार हो गया अच्छा तो जब आपने सेल्फ एनालाइज किया क्या क्या गलतियाँ थी जो आप कर रहे थे मेरे रिविजन टेक्निक्स में थोड़ी गड़बड़ थी कि मैं ना एंड में फिर से पूरी बुक उठा लेता था, था पढ़ने के लिए वो बहुत बड़ी गलती थी वो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है उसको कैसे ओवरकम किया आपने एट द एंड आपको बायोलॉजी में तो चलो फिर भी हो जाएगा एन की दो ही बुकें हैं वो तो फिर भी तुम पढ़ सकते हो बीस दिन में अगर तुमने एन को बहुत बार पढ़ा ना तो तुम्हें बस है ना तुमने खुद ही अंडरलाइन किए होंगे मेन पॉइंट्स तुम वही पढ़ते जाओगे ना तो चार दिन में भी तुम पूरी एन खत्म कर सकते हो और एट दी एंड तुम दो दिन में भी कर पाओगे अच्छा। और पर फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है वो बहुत बड़ा सिलेबस है फिजिक्स तो है। और ख़ासकर बहुत बढ़िया है और एलेवंथ की ट्वेल्थ से मतलब दोनों ही इक्वली हाँ दोनों ही बढ़िया है एलेवंथ में मैकेनिक्स है वो उसके लिए समझना बहुत अच्छे से पड़ता है और उसके लिए आपने जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं उन्हें रिवाइज और उनकी प्रैक्टिस भी करना तो उसमें टाइम लगता है तो उसके लिए आपको है ना एक फिजिक्स के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि फॉर्मूला की शीट बनाओ और मतलब रिवीजन शीट होते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना मेन वाले उन्हें लिख के एक पेपर में उसे जितना कंसाइज कर सको तीन चार पेपर में पाँच पेपर में एंड के लिए ताकि तुम उसे रि, रिवाइज कर पाओ तरे, तरे, तरे. और जो इम्पॉटेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे थे कि हाँ ये तुम तब नहीं कर पाते थे और अगर पेपर में आ गया तो वही करना होता है और ऐसे केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक में मेन रिएक्शंस जो हैं वो लिखनी पड़ती हैं और वो लिख के याद होते हैं फिर वो तुम्हारे अपने अपने तरीक़े पर उन्हें एक कहते हैं ना फ्लो चार्ट बना लेते हैं मेरे लिए फ्लो चार्ट ज़्यादा काम करता है तो मैं वही करता हूँ तो मैंने फ्लो चार्ट बनाए थे ऑर्गेनिक में और इन ऑर्गेनिक तो पूरी फैक्चुअल है वो तो फैक्ट लिख लिख के याद होता है फिर रिवाइज कर करके हाँ और फिजिकल फिजिक्स की तरह ही है पूरी राइट राइट तो एक तो आपने रिविजन आपकी स्ट्रैटेजी चेंज की और क्या क्या गलतियाँ कर रहे थे आप और जनरली देखो तो तैयारी के टाइम पर मैं थोड़ा मतलब टीचर भी मेरे को इतने अच्छे नहीं मिले थे पर ऑनलाइन में मैंने ट्वेंटी टू में मैंने नी ट्वेंटी टू के लिए मैंने पी डब्ल्यू से पढ़ा था तो उस पर मेरे को काफ़ी अच्छे टीचर मिले थे और मैंने और भी जगह टीचर के टीचर्स यूज़ किए थे जैसे नीट ट्रैप के भी मैंने यूज़ किए थे और क्वेश्चन बैंक के लिए मैं यूज़ करता था आ, कुछ तो ऑफ़लाइन बुक से करता था और कुछ मैं यूज़ करता था एक तो नीट ट्रैप के क्वेश्चन जो होते थे फिज़िक्स के लिए स्पेशली मैं यूज़ करता था वो अच्छे थे तो वो यूज़ करता था और ऑफ़लाइन बुक्स में यूज़ करता था फ़िज़िक्स के लिए कहती है डी पांडे आते हैं है, वो सब यूज़ करते हैं मोस्टली जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं और एक फिंगर टिप्स आती है वो भी सब यूज़ करते हैं ये बुक्स अब स्टैंडर्ड मतलब बन चुकी है अब है, स्टैंडर्ड आप बन चुकी रैं, है रैं, ये ऑनलाइन वालों के लिए और केमिस्ट्री में बहुत सारी हैं मैं पर पीडब्ल्यू के जो क्वेश्चन वो देते थे वही सॉल्व करता था तो हाँ थोड़ा मतलब अपने आपको करना अपने करना होता है, है को ना ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हो और कोचिंग के मॉड्यूल तो कभी नहीं पढ़ रहे <laughs> अच्छा। वो सबसे बेकार होते हैं अच्छा क्योंकि अब, नहीं अब नहीं नहीं। क्योंकि अब से नहीं रहे सवाल। आ, तो अब अब मॉडल तो आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये हुई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो हमेशा रिविजन से ही होगा एट दी एंड तुम जितनी बार रिपीट करोगे वो तुम्हारे दिमाग में उतनी बार बैठेगी और उतनी अच्छे से तुम वहाँ पे रिकॉल कर पाओगे क्योंकि एट दी एंड अगर रिकॉल ही नहीं कर पाए उस इनफॉर्मेशन को तो उसका पार क्या फ़ायदा है राइट 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 ठीक है तो आपने सेकेंड टाइम ड्रॉप लिया उसके बाद फिर जब आप तैयारी कर रहे थे वो साल कैसा रहा आपका मैंने एक्चुअली उस समय पे हाँ एक और मैंने बात नहीं बताई तैयारी के टाइम पर जो चेंज किया था मैंने मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी अच्छा क्योंकि घर में होता है डिस्ट्रैक्शन और घर में पढ़ाई नहीं होती है हाँ और क्योंकि मेरे घर के आसपास थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है मतलब आसपास घर बन रहे तो उस वजह से और आवाज़ होते पढ़ाई नहीं हो पाती तो मेरी मम्मी ने मेरे को लाइब्रेरी ज्वाइन करा दी है। तो लाइब्रेरी में ऐसा क्या है वो सुबह छः बजे खुलती है और दस बजे बंद होती है तो मैं सुबह उठता था और सात बजे से साढ़े सात के बीच में मैं पहुंच जाता लाइब्रेरी वहाँ पे मैं अकेला ही था नीट की तैयारी करता बाकी सब थे आई और यू पी एस सी एस एस वाले right, right. तो वे देखते थे कि इतनी अभी अभी से ही आ रहे लाइब्रेरी में क्या किस पेपर की तैयारी कर रहे तो उन्हें बताया कि हाँ ये मेडिकल का है स्किल तैयारी कर तो वे भी मेरी उनमें भी वहाँ पर भी मेरे को एक दो ऐसे मिले थे जो आई किए हुए थे और वे यू की तैयारी कर रहे थे तो उनसे मेरे को कभी कभी सजेशन लेने होते थे या फिर right. मेरे को फिजिक्स की हेल्प कर देते थे वे तो उस उस मामले में मेरी हेल्प हुई थी Right, right, right. हाँ. तो जब हाँ, right. और लाइब्रेरी में माहौल भी बन जाता है पढ़ाई का जब सब पढ़ रहे हैं तो तुम कुछ और कर ही नहीं सकते हो uh -huh. हाँ वहाँ पे तो माहौल बना हुआ है पढ़ाई का पढ़ाई ही करो और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती थी राइट 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 तो आपका एक दिन कैसा दिखता था जब आप ड्रॉप करके तैयारी कर रहे थे तो कितने घंटे पढ़ते थे कैसे आपने पूरे दिन को डिवाइड किया हुआ था मैं ऐसा चाहिए नहीं था मैंने ये कर रखा था कि हाँ इतने घंटे तो पढ़ने और मेरा ये था कि ये टॉपिक अगर मैंने मतलब दिन में लिख लेता था, था कि आज मेरे को ये ये करना तो है सुबह उठे आपने लिख लिया कि ये मेरा हाँ या तो, है तो इस मैं रात को बना के रखता था फिर सुबह लिख लेता था, था कि आज मेरे को ये ये करना है।, है या तो ये टेस्ट है तो मेरे मेरे को इसके लिए रेडी करना है तो वो मतलब एक टू डू लिस्ट बना लेते हो ना पूरे दिन की तो अगर तुमने उसे या तो टाइम से पहले ख़त्म कर लो या टाइम के बाद करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है पर वो लिस्ट खत्म होनी चाहिए वो आगे का बर्डन नहीं बनना चाहिए right. तो ये जो मतलब बच्चे अब किसी किसी के लिए काम करता होगा कि मेरे को सुबह सिर्फ केमिस्ट्री करनी है सुबह सिर्फ ये इतने घंटे डिवाइड कर लिए वो तुम्हारे ऊपर है जैसे करो पर एट दी एंड तुम्हारा जो गोल है वो पूरा होना चाहिए पूरे सिलेबस को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके करना और फिर एट दी एंड जब वो पूरा हो जाता है तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है right, right, कि हाँ सिलेबस हो गया है तो ऐसे किया था मैंने और मैं ये था सुबह है ना ऐसी चीज़ें पढ़ता था कि सुबह हमारी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है ठीक है तो उस समय ऐसे सब्जेक्ट उठ जाते थे मॉर्निंग पर्सन हाँ मॉर्निंग हाँ तब तो मॉर्निंग पर्सन था अब तो नहीं हूँ <laughs> हाँ तो मॉर्निंग पर्सन था तो तब मैं सुबह लगभग सात बजे तक उठ जाता था क्योंकि लाइब्रेरी साढ़े सात से आठ के बीच में मैं जाते था मम्मी खुद ही उठा देती थी मेरे को अगर नहीं उठ पाता था हाँ तो सुबह जाते ही मतलब सबसे पहले ऐसा टॉपिक चुना जिसमें थोड़ी मतलब जान लगे तुम्हारी तो क्योंकि सुबह विल पावर सबसे ज़्यादा होते हैं तो उठ तो फ्रेश होते हो एकदम तो या तो मैं फ़िज़िक्स उठाता था, था या फिर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा। यही उठाता था, था इनमें से क्योंकि बायोलॉजी करने का फ़ायदा नहीं है वो तुम अगर है ना नींद में भी होगे ना तो भी कर सकोगे तो तो ऐसे ऐसे हो जाती है नीट के बच्चों की राइट ठीक है हाँ अगर पढ़ने वाले होते हैं तो बायोलॉजी तो मैं ऐसे मतलब रखता था कि उसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समान ऑर्गेनिक के समान इनऑर्गेनिक तो फिर भी बहुत रखता है तो ये तीन सब्जेक्ट है ना मैं बायोलॉजी मतलब जोलॉजी बॉटनी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हें ऐसे रखता था कि ये कम एनर्जी में भी मैं कर लूँगा कैसे ना कैसे पर बाकी जो सब्जेक्ट है ना फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स इन्हें मेरे को एनर्जी देने और इनऑर्गेनिक को भी क्योंकि ये एट द एंड अगर आ, अगर मान लो कॉन्सेप्ट याद नहीं आया पेपर के टाइम पे वैसे तो हो जाता है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कि तुम्हें याद आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक में वही रट्टा लगाने के लिए मेरे को एनर्जी लगती थी कि मेरे को बार बार लिख के या फिर रिवाइज कर करके मेरे को याद करने पड़ते थे अच्छा राइट तो ठीक है तो आपने मतलब उठे फिर आप लाइब्रेरी चले जाते थे हाँ लाइब्रेरी में कितना टाइम बिताते थे लाइब्रेरी में मैं दो शिफ्ट में जाता था एक तो सुबह से मतलब सात या आठ बजे पहुँच गया साढ़े सात से आठ के बीच में और फिर मैं रहता था दोपहर के दो बजे तक फिर मैं आ जाता था लंच करता था और चार साढ़े चार बजे के टाइम पे मैं फिर से चला जाता था मैक्स टू तो मैक्स पाँच तक तो मैं पहुंच ही जाता था कोई अगर मतलब डिले हो गया कुछ ही वजह से सो गया या कुछ तब ये ठीक है तबीयत ठीक नहीं तो अलग बात है पर अगर गेस्ट वगैरह आ गए तो मैं पाँच बजे तक तो चला ही जाता था और फिर पाँच बजे से मैं सीधा दस बजे तक या फिर कभी कभी लाइब्रेरी ग्यारह बजे बंद होती थी तो अच्छा, मैं तब तक रहता ही था हाँ तब तक जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती मैं तब तक रहता था सबके साथ और फिर आ, आ, या तो अगर रात को ग्यारह बजे तक तो मम्मी जी बोल ही देती थी कि आ जा घर पे खाना बन गया है तो जाना ही पड़ता था राइट राइट और फिर खाना खाने के बाद रात को अगर मान लिया कि अगर मेरा टॉपिक जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी वो ख़त्म नहीं हुई तो वो घर पे मैं करता था कि वो ख़त्म करने है वो लिस्ट राइट 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 ठीक है तो अगर आप अभी पीछे मुड़ के देखते हैं जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है मैं अलग कर लेता तो शायद जल्दी हो जाता मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑनलाइन मिल जाता <laughs> क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि है ना तुम्हें लेक्चर पीछे कर सकते हो स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें आता है और अगर टू एक्स पे देख सकते हो अगर तुम्हें अगर गोल्स जल्दी ख़त्म करने हो क्योंकि तुमने अगर वो चीज़ बुक में ही पढ़ लिया और तुम्हें वो चीज़ फिर है ना तुम टू एक्स पर भी लेक्चर देख सकते हो टू टू एक्स या फिर वन पॉइंट फाइव एक्स मैक्स पे देख सकते हैं तो जल्दी ख़त्म कर सकते हैं लेक्चर को क्योंकि तुम्हें उसके बाद फिर वो भी सॉल्व करने होते हैं जो क्वेश्चन की शीट देते हैं तो वो भी करना होता है तो मैं ऑनलाइन मिल जाता पहले तो अच्छा रहता और ड्रॉप ईयर में एक्चुअली क्या था मेरे को ना एक वो भी मिला था एक एम्स भोपाल के एक सर हैं उनका नाम है प्रेरक त्रिपाठी उनके उन्होंने भी थोड़ी हेल्प की थी मेरी व्हाट्सएप के थ्रू तो उनका एक ग्रुप था मतलब स्टूडेंट्स का था नीट का तो उसमें सारे ने डिस्कस करते थे अच्छे अच्छे सवाल तो उस पर मेरे को और अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए थे कि हाँ ये सवाल अच्छा है वे बताते भी थे कि क्या क्या करना है कौन से ये फालतू के सवाल है ये मत करो तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया था भाई यूट्यूब पर भी आए अभी हाँ प्रेरक त्रिपाठी तो इन सवाल के उन्होंने हेल्प की थी उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप बना के ऐसे हमारा डिस्कशन अच्छा हो जाता था, था उसमें राइट 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 जी

राइट 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 तो वो कर सकते हो ठीक है ठीक है तो फिर फाइनली आपने नीट दिया आपको पता चल गया वो कैसा था मोमेंट कैसे आप आप क्या इमोशनल हुए थे या क्या नहीं कैसा रहा आपका वो टाइम एग्जाम के दिन का आप बताइए उस दिन एग्जाम का डे तो एग्जाम का डे तो नहीं उससे पहले वाला दिन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था क्या, क्या, क्या? बहुत एंगजाइटी थी मैं मेरे तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी मेरे को चीज़ें आती थी पर ऐसा लग रहा था कि मैं भूलता जा रहा हूँ सब कुछ तो थोड़ा इमोशनल भी हो गया था मैं इस चक्कर में फिर मम्मी और भाई ने समझाया अच्छे से फिर पापा ने भी समझाया कि आता है तेरे को तू कर लेगा अच्छा। पर पेपर से पहले होता नहीं तो तुमने ड्रॉप भी लिया है तो उसका भी प्रेशर है और ऊपर से इतना बड़ा पेपर है तो इतनी सारी चीज़ें है तो एंड में लगता है कि तुम सब कुछ भूल रहे हो भले वो तुम्हारे दिमाग में है दी एंड याद आ जाता है पर वो लगता है कि अभी भी हमारे जो कॉलेज के पेपर होते हैं उसमें लगता है कि सब भूल रहे हैं पेपर से पहले पर वो हो जाता है ऐट दी एंड मैनेज हो जाता है वो तो पेपर से एक दिन पहले तो मेरा बहुत बुरा बहुत बुरी हालत एनजाइटी हो रखी है रात को सो नहीं पा रहा तो मैंने कान में लीट लगा के शिव तांडव स्त्रोत्र सुनने लग गया <laughs> फिर सो गया था मैंने थोड़ी जान आ गई थी उसके बाद फिर मैं जाके सोया और फिर सुबह उठा फिर सुबह मैंने एक चीज़ की एक चीज़ सही की मैंने कि इनऑर्गेनिक के ना जो रटने वाली चीज़ थी ना वो एक बार मैंने फिर से रिव्यू कर लिया और जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना मतलब ट्वेल्थ के मेरे को एंड uh, के चैप्टर है पॉलीमर और यही इन्वायरमेंटल uh, तो ये हाँ एग्ज़ाम एक, के उसी दिन मैंने ना सुबह सुबह जल्दी से पलट लिया थे और अच्छा। मेरे चार क्वेश्चन सीधा फंस गए उसमें ओ, वो सही चीज़ हुई थी वो एक सही चीज़ की मैंने कि हाँ वो याद कर लिए थे क्योंकि वो वो बहुत ज्यादा वॉल्टाइल टॉपिक है वो तुम्हें ना बार बार देखना पड़ता है याद करने के लिए और मैंने एंड टाइम पे भी देख लिया ये सही है आई थिंक स्टूडेंट्स इनको इग्नोर भी कर देते हैं हाँ ये सोचते कि तो ईजी है पर वो फ्री के मार्क्स है वो एक तरीके से फ्री के मार्क्स है तुम्हें बस सिंपल सवाल पूछा है कि ये पॉलीमर इससे इसके किस किस से बनता है इन दो से बनता है बस खत्म बात इसमें कुछ दिमाग थोड़ी लगाना ना फिजिक्स की तरह कि इसमें मोमेंटम कैलकुलेट करो रहा एनर्जी बस तो फिर आपने रिवाइज किए चैप्टर्स ठीक है हाँ, सुबह किया एक घंटे के अंदर सारे मतलब मैंने अंडरलाइन तो किए हुए थे मेन मेन चीजें और लिखी भी थी एक शीट पर तो मैंने जल्दी से रिवाइज किया और फिर पेपर के लिए मैंने फिर खाना खाया निकल गया मतलब जाते हुए मैं तो था और मम्मी पापा साथ थे अब तक तो मतलब हर एक नीट पे सिर्फ पापा ही गए थे फिर इस बार मम्मी भी गई थी अच्छा ये भी अलग अच्छा तो और फिर मतलब वहाँ पे मेरे को ना काम करने के लिए दोनों थे और पेपर से पहले मतलब मतलब जाते जाते ना फिर मैं थोड़ा हो गया था कि हाँ जैसा होएगा होएगा मेरे को आती है चीज़ें कर लूँगा मैं देख लूँगा नहीं हुआ तो क्या है जिंदगी बहुत है अभी तो इसी मोटिव से मैं गया और अंदर जाके बैठ गया बस और फिर पेपर दिया आ, पेपर के टाइम पे इतना वो नहीं था क्योंकि पेपर जैसे देखा ना बायोलॉजी की हाँ अच्छी आई है मतलब ठीक ठाक है हो जाएगी और फिर जैसे ही पचास मिनट में, में मेरी पूरी बायोलॉजी हो गई लगभग और मैं मतलब था कि हाँ एक घंटे से पहले ही चलो हो गया वैसे तो मैंने किया था कि फोर्टी फाइव मिनट्स के अराउंड कर लूँगा पचास मिनट पे हो गई कोई नहीं ठीक है बाकी फिर केमिस्ट्री देखा इजी था कर दिया और फिजिक्स तो देखा भाई क्या इजी सी लग रही थी अच्छा। बस वो उस लाइफ भी इजी थी थोड़ी अच्छा। तो वो हो गई और फिर मतलब ठीक ठाक गया पेपर और फिर मैं आ गया था तो कॉन्फिडेंट थे आप था, के बाद? मेरा मतलब पंद्रह मिनट पहले पेपर हो गया था अच्छा। पंद्रह बीस मिनट पहले तो बैठा ही था खाली राइट तो फिर बाहर आने के बाद पेरेंट्स से मिले उन्होंने पूछा क्या उन्होंने तो पूछा था कैसा गया पेपर मैंने कहा हाँ बढ़िया लग रहा था पेपर देख कर इजी सा था हो गया जैसा जैसा आता था कर दिया आंसर <laughs> की कम मैच की आपने फिर? आंसर की मैंने, मैंने की की मैच किया आपने फिर मैंने मैंने एक्चुअली ही नहीं थी उस दिन तो मैंने मैंने डर में था कि मेरे को नहीं करनी मेरे हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी राइट right, राइट right. फिर मैंने मतलब दो च, दो चार दिन बाद मैंने दोस्तों कुछ दोस्तों ने भी की मैच फिर वे बता रहे थे उनके इतना मैच दो चार दिन बाद हाँ दो चार दिन बाद की थी कम से कम चार पाँच दिन बाद तो उनके वही फोमो में मैंने भी करी थी फिर दिया शाम को मैं लगा बैठा और मैंने देखा हाँ चार पांच मैंने डाउनलोड किया अलग अलग आंसर की फिर सबसे मैच किया और मेरे बन तो रहे थे वैसे तो सिक्स सिक्सटी सिक्स बन रहे थे पता नहीं एक क्वेश्चन क्या हुआ कौन सा ओएमआर गलत भर दिया होगा मैंने या फिर वो कॉन्ट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन था जो भी था पर हाँ एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था उसकी वजह से और एक तो उसकी वजह से मेरे सिक्स सिक्सटी बन बने थे अच्छा, हाँ ठीक है तो फिर मैंने चेक किया फिर मम्मी को बताया मम्मी तो बहुत खुश हो गई थी थोड़ा रोने भी लगी थी पर ठीक था Right, right, right. हाँ पर सही था और भाई भी खुश था मेरा भाई मतलब उसने भी काफ़ी हेल्प की थी तो वो right, जब right, जॉब right. से आया था मैंने बताया तो वो भी खुश हो गया था और पापा तो बहुत खुश थे और फिर अगले दिन मतलब खुश थे सभी और अच्छा खाना वगैरह वो सब चलता right, 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 right. फिर नॉर्मल हो गया पर रिलेटिव का क्या रिएक्शन था आपके लिए रिलेटिव का रिलेटिव yeah, तो चलता है <laughs> <laughs> उनका तो होता है कि हुआ या नहीं बस यही जानते हैं और फिर जिनका नहीं आता था फोन उनके भी आने लग जाते हैं ये सच है ये सच है राइट राइट

एंड आप सफ़र करते हो मेंटली कहीं कहीं ना कही। तो उस टाइम पे अपने आपको कैसे मोटिवेट करें और मेंटल हेल्थ पे कैसे चेक रखें मेंटल uh, हेल्थ के लिए तो एक्चुअली आपको है ना दोस्त बनाने पड़ते हैं थोड़े ढंग के अच्छा। जो आपकी हेल्प करें मैंने क्या किया था सेकेंड ड्रॉप में मतलब मेरे भाई ने कहा था, था ना कि अकेला ना हो जाए तो है ना पार्सल ड्रॉप ले लें तो मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था एक बी का तो उसमें मैंने थोड़े दो चार दोस्त बना लेते थे ठीक ठाक अच्छा आपने ज्वाइन कर लिया था बीएससी के लिए हाँ पार्सल ड्रॉप

आ, वहाँ पे मैंने कुछ दो चार दोस्त बनाए थे जिन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था एक दिन पहले भी मैंने उनसे बहुत बात की थी कम से कम एक दो घंटा की होगी बात तो, तो आप पर... जाते थे कॉलेज नहीं मतलब इतना नहीं गया था पर जब भी गया था उनसे ही बात होती थी वो दो अच्छा। मतलब ऑनलाइन चल रहा था कॉलेज तो उस समय भी तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मतलब अच्छे दोस्त बन चुके थे ठीक ठाक और मेरे कुछ पुराने दोस्त भी थे उनसे ही बात होती थी कुछ कज़िन्स थे तो मतलब आपको है ना तीन चार ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको है ना हमेशा ऐसा ना हो कि बुरी कंडीशन में मजाक उड़ा रहे हो ऐसे मतलब सीरियस सीरियस हो जाए सीरियस मेंटर्स, की हाँ, 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 मतलब मेंटर्स, हाँ, मेंटर्स की तरह जो तो नहीं मतलब जिनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो बिना वो किए बिना उनसे शेयर कर सकते हो कि तुम्हारी अभी हालत सही नहीं है ऐसा लग रहा है कि कुछ सजेशन दे दे तो मैंने भी एक दिन पहले उन दोस्तों को कॉल किया था तो उन्होंने मतलब काफी काम डाउन किया था मेरे को हाइपर हो रहा था एक्चुअली मैं उस दिन काफी ज्यादा तो उन्होंने भी हेल्प की थी और मेरे मम्मी पापा तो थे ही हेल्प करने के लिए और इतना ज़्यादा मतलब मैं इस पर एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़रूरी है नीट स्टूडेंट्स का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे आई थिंक कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है हाँ ख़ुद के लिए टाइम निकालना या तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो कि जिससे आप खुद को मतलब रिफ्रेश कर सको या तो ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लगे हो वो एट दी एंड बहुत ज़्यादा है ना हर चीज़ हद से ज़्यादा करने पे भी, भी है ना वो ख़राब हो जाते फिर एट दी एंड तो कोई ऐसी एक एक्टिविटी होनी चाहिए मैं ज़्यादातर या तो गेम खेलता था या फिर आ, कोई आ, वेब सीरीज़ देख ली मैं थोड़ा मतलब वेब सीरीज़ ज़्यादा देखता तो हूँ मेरे को पसंद है ये सब देखना आ, कंटेंट कन कंजम्पशन थोड़ा मतलब ऐसे लॉन्ग फॉर्म का हाँ तो वो देखता था या फिर मैं थोड़ा चेस भी खेलता हूँ तो वो भी खेल लेता था चेस और यही था मेरा तो right. इतना कुछ ज़्यादा नहीं था राइट right. तो आई थिंक इन सब चीज़ों से आपका जो था एक मेंटल हेल्थ हाँ। पे आई थिंक ध्यान रहता था कि ज्यादा एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट ना हाँ, हो मेंटली नहीं होना है क्योंकि आ, फिर उससे है ना कि तुम एक है ना फटीग बिल्ड हो जाता है फिर तुम आगे पढ़ नहीं पाते हो right. वो फिर आगे तुम्हारी एफिशिएंसी को घटा देता राइट 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 ठीक है ठीक है सही है तो ये थी आपकी अभी तक की स्कूल की जर्नी अच्छा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को क्या रखनी चाहिए कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करें आ, वैसे तो नीट आ, मतलब बायोलॉजी तो ऐसा है कि पूरा थियोरेटिकल है उसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं उसमें है उसमें तो पूरा फैक्चुअल बेस्ड है इलेवन ट्वेल्थ की तो और मतलब फैक्ट भी नहीं उसमें भी समझना पड़ता है जो इंजीनियरिंग वाले बोलते हैं कि तुम तो रट्टा मारते हो वो नहीं है उसमें भी समझने का है बायोलॉजी में और बायोलॉजी भी हमारी दो में बटी है जुआलॉजी जुअलॉजी तो हर एक बायोलॉजी के बच्चे को पसंद होती है क्योंकि हमारी बॉडी हम खुद में भी देखते हैं वो चेंजेस जो हम पढ़ते हैं पर बॉटनी से रिलेट कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि अब पेड़ पौधे तो बात भी नहीं करते उनसे कैसे और उनके तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं होते इतने स्कूल में तो इतने देखने के लिए नहीं है तो वो समझाने के लिए तो तुम्हें एक अच्छा टीचर चाहिए जो तुम्हें एन को अच्छे से समझा सके क्योंकि पेपर एन से ही बनता है और एन सी आर टी से सम, आ, समझने के बाद और उसको एक कंडेंस फॉर्म में भी लाना कि आगे तुम उसे पढ़ सको और वो कंडेंस फॉर्म भी बनाने के लिए तुम्हें पहले ना एन को चार पांच बार पढ़ना पड़ेगा तो बायोलॉजिकली तो एन सी मस्ट पहले तो लेक्चर देखो और एन पढ़ो साथ साथ ठीक है और एन सी आर टी में ही मैं कहूँगा नोट्स है ना अलग से मत बनाओ एन सी आर टी में ही बहुत जगह है लिखने के लिए उसी अच्छा। में ही लिखो अच्छा। क्योंकि तुम्हारे पास एट द एंड एक ही रिसोर्स हो क्योंकि बच्चे फिर ना लग लग है ना अलग अलग जगह लिखते हैं फिर भटक जाते हैं कोई सी एक रजिस्टर ये रहा दूसरा ये रहा और फिर को, कोई बुक भी पढ़ रहा है अलग से तो वो नहीं होना चाहिए एन सी आर टी में ही लिख लो और सारे नोट्स बनाओ और एट द एंड है ना उसे फिर जब तुम है ना कम से कम दस से पंद्रह बार पढ़ चुके हो फिर उसे है ना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ उस चैप्टर के और एन में चैप्टर भी इतने बड़े नहीं है वो तो अब हमें लग रहा है हमने इतनी बार पढ़ लिया पर न्यू फ्रेशर के लिए तो है ही right. तो उसे कम से कम इतनी बार पढ़ने के बाद है ना उसे शॉर्ट फॉर्म में बनाओ चार तीन चार पेज मैक्स टू right. मैक्स चार पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए right. उसको पूरे को कंडेंस कर लो अच्छा. और ऐसे बायोलॉजी की तो मैंने ये स्ट्रैटी रखी थी बोथ बॉटनी एंड जुआलॉजी और एक अच्छा टीचर ज़रूरी है फॉर फ़िजिक्स फिजिक्स तो प्रैक्टिस बेस्ड है पूरा पूरा का पूरा तो उसके लिए भी एक अच्छा टीचर तो हर एक सब्जेक्ट में चाहिए पर उसके लिए तुम्हें मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कंसेप्ट की क्योंकि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व के बिना प्रैक्टिस किए फिजिक्स में नहीं हो सकता बिल्कुल भी, तो भी और अब केमिस्ट्री जो है वो तीन में बटी हुई है हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फिज़िकल तो फिज़िक्स की तरह ही है पूरी उसमें तुम्हारी न्यूमेरिकल्स है और वो प्रैक्टिस से ही आएगी पूरी पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो बायो की तरह ही है चारी. वो बायो की तरह है उसकी बायो की तरह ही अप्रोच रखनी है उसमें भी याद करने का और समझने का ऑर्गेनिक समझने की है और इनऑर्गेनिक रटने की है और उसमें जितनी ज़्यादा रिपिटिशन होगी इनऑर्गेनिक में उतना ही अच्छा रहेगा और ऑर्गेनिक में भी प्रैक्टिस चाहिए हमें क्योंकि उसमें भी रिएक्शनस है ना उसमें भी मैकेनिज़म्स हैं वो समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फिज़िक्स में एक फॉमुला शीट बनानी चाहिए मैं कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं ना वो फॉमुला बेस्ड होते हैं कन्सेपचुल मतलब मैं कहूँगा हमारे अगर फोर्टी फाइव क्वेश्चन है ना तो कम से कम पच्चीस से तीस तो सीधा फार्मूला बेस्ड होंगे फॉमूला है वैल्यूज़ रखी आंसर आ गया ख़त्म बात इतना ही होता है और जो कन्सेप्ट वाले होते हैं उनके लिए तुम्हें हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो पच्चीस से तीस क्वेश्चन अगर तुम एक फार्मूला शीट से कर पाए तो बनाना मस्ट है हाँ ये अप्रोच रखे थे हाँ और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि वो तुम्हें पेपर का एक ब्लू प्रिंट दे देते हैं कि इस टॉपिक की इतनी वेटेज है ये ज़रूरी है अब जैसे जोआलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें डाइजेशन रेस्पिरेशन ये सब इंपॉर्टेंट है रही। और बॉटनी के जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो है तो पाँच चैप्टर पर इतनी इंपॉर्टेंट है उससे पाँच से पाँच में ही वो दस ही क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो भी अगर अच्छा दिन रहा तो बॉटनी के लिए और जो जोआलॉजी और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है वो ज़रूरी है करना तो इसलिए पी वाई के जरिए बता देंगे कि कैसे करना है किस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है राइट 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 ठीक है ठीक है तो फाइनली ये था मतलब आप तक का स्कूल का और नीट का जर्नी अब आप फाइनली मेडिकल स्कूल में आ चुके हैं राइट तो कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी एक साल आपने हो चुका है आपको मेडिकल स्कूल में अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका ठीक ही था मतलब अच्छा रहा वैसे तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे मिले अच्छा दोस्त यहाँ पे बोलना पड़ेगा अच्छा <laughs> पर अच्छा दोस्त काफ़ी हेल्प करते हैं एक तो मेडिकल कॉलेज आने का एक तो ड्रीम था वो भी ट्रू हुआ और आ, ये भी था कि है ना मेरे को दो ही कॉलेज में था कि मेरे को या तो एफ लेना, लेना है या फिर बी लेना है ए एफ में मैंने ट्राई किया था पर उसमें नहीं हो पाया ड्यू टू मेडिकल रीजन आंखों की वजह से तो एफ एम सी तो वन और बी एम एम सी था मेरा तो वी एम एम सी मिल गया बस उसी में खुश था यही दो गोल्स थे खुश right, हो गया right, right, right. और कॉलेज तो आ, मेडिकल स्कूल है ना बाकी कॉलेज से बहुत अलग है okay. इसमें इसमें सीनियर्स के साथ रिलेशन काफ़ी अलग है बाकी कॉलेज़ के कंपेयर में इसमें प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई तो चलती है पर इसमें ना ये ये सबको लगता है डॉक्टर बहुत पढ़ते हैं पर हमें मज़े करना आता है हम बहुत मज़े करते हैं एट दी एंड पढ़ाई भी करते हैं पर जब जरूरत होती है तब पढ़ाई भी करता right. है तब मज़े भी करने होते हैं तो मज़े भी करते हैं राइट right. तो ऐसा नहीं है ना मतलब कि एमबीबीएस में आ गए तो आपको बस पढ़ना पढ़ना ही है नहीं आप... ऐसा नहीं हम बुक वम नहीं है सब नहीं होते बुक वम हाँ आपको कुछ मिलेंगे जो होंगे कि आप वो फिर पूरी पढ़ाई में ही रहते राइट 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 तो आपका एक हाउ डज एन एन आइडियल डे इन लाइफ ऑफ स्टूडेंट लुक अब वो डिपेंड करता है आप डे स्कॉलर या फिर हॉस्टलर है मैं अभी तो नहीं मिला पर अब शायद सेकेंड ईयर में मिल जाए तो मैं हॉस्टलर हूँ वैसे तो हॉस्टल में ही रहता रहते है क्योंकि अगर दोस्त बन जाते हॉस्टल हो में तो, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल में रुका हूँ तो राएग मेरे हॉस्टलर की तरह ही है तो अगर सुबह सुबह तो हमारी क्लास होती है सुबह से कभी आठ बजे से होते कभी नौ बजे से तो हमारी मोस्टली नौ बजे से क्लास होती है और नौ से लेकर हमारी चार बजे तक क्लासेस चलती है तो उसके बाद अब हमारा होता है कि या तो तुम अगर किसी सोसाइटी में हो तो उसकी या तो एक्टिविटी होती है जैसे मैं नियोक्रेसी में हूँ जो डांस सोसाइटी है उसमें हूँ मैं तो हमारी प्रैक्टिस चलती है चार से छः बजे तक कभी अच्छा। साढ़े छः और हम मतलब पार्टिसिपेट भी करते हैं अलग अलग अभी आ रहे हैं आपको डांस का शौक शुरू से ही था हाँ डांस का था मेरे को हाँ और मैंने बीच में थोड़ा सिंगिंग का भी किया था आ, हमारी सोसाइटी है अगम कहरवा तो उसमें भी मतलब मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मतलब पढ़ाई मैनेज नहीं होती ज़्यादा सोसाइटी हो, ज्वाइन करने से तो ऐसा भी चलता है मतलब आ, चिल है मामला हमारे यहाँ पे सोसाइटी बहुत सारे बहुत ज़्यादा बहुत सारी तुम तुम्हें ड्रामेटिक्स चाहिए तो हमारे कॉलेज में हर सोसाइटी है तो मज़े करने वाली हर चीज़ है हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के लोग यहाँ पे हर चीज़ के हैं हमारे यहाँ पे तो यानी कि वो जो सैक्रीफाइस इलेवन वो वर्थ इट है कहीं वर्थ इट हाँ। है बहुत ज़्यादा और वो तुम्हारी ये नहीं कि है कि हमारा जो कोर्स है एमबीबीएस का ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें आगे चल के एक जॉब सेफ्टी भी हमें लगती है कि हाँ कि अगर नहीं हो तो डॉक्टर खुद ही हम अपना क्लिनिक तो खोल ही सकते हैं तो ये भी होता है एक प्रोफेशनल कोर्स है और आगे चल के मतलब डॉक्टर्स का है ना कि हमारे सोसाइटी में आड, मतलब इंडिया में अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं मतलब थोड़ा भी मतलब उनके खिलाफ वायलेंस भी होता रहता है पर, पर हाँ काफ़ी अगर तुम रूरल एरिया में जाओगे या फिर मिडिल क्लास एरिया में वे काफ़ी ज़्यादा बीबी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे घर में भी करते हैं मिडिल क्लास में तो मतलब डॉक्टर्स का ना एक मतलब दर्जा रखा जाता है अलग से तो वही है कि तुम्हें फिर है ना अलग से रिस्पेक्ट भी मिलती है और जब ठीक करते हो पेशेंट को तो वे ब्लेसिंग्स भी देते हैं तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है वो किसी और को प्रोफेशन में नहीं मिल सकता ना आपको राइट 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 सही है पूरी एकदम लिविंग बॉडी पे तुम काम कर रहे हो वो कहीं और नहीं मिलेगा राइट 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 अच्छा आपका अभी तक का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कॉलेज लाइफ का मेमोरेबल तो बहुत सारे रहे हैं फेस्ट के टाइम भी हमारे काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं और मतलब मेरे मेमोरेबल मोमेंट्स तो दोस्तों के ही साथ बनते हैं हॉस्टल में अलग अलग चीज़ें करते हुए हम मतलब हॉस्टल में जब भी होते हैं ना सुबह से ले मतलब कॉलेज के बाद हमारे ना रात के दो बजे भी होंगे ना जागे हुए बंदे होंगे तो कोई ना कोई गेम खेल रहे होंगे या कोई ना कोई मूवी देख रहे होंगे तो हॉस्टल में ना तुम्हें पता नहीं चलता तो मैं मैं कहूँगा बहुत हाँ बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स बन चुके हैं तो एक को कहना कि ज़्यादा मेमोरेबल है ये सही नहीं होगा पर हाँ हॉस्टल में ना बहुत कुछ चलता रहता है कि कभी बैडमिंटन खेलने चले गए कभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं मतलब पूरा टाइम चलता ही रहता है और सभी एक साथ मिलकर मूवी देख रहे हैं एक हाँ मेमोरेबल मोमेंट अभी अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और हम आठ दस बंदे थे रूम में और विराट कोहली की बैटिंग चल रही थी बड़े मजे आ रहे थे उसमें देखते हो क्या क्या मार रहे थे शॉट बहुत मजा आता है देखने में सब चीयर कर रहे थे पूरा पूरा मज़ा आता आई थिंक वो सबका साथ में देखने का मजा ही अलग होता है ना क्रिकेट तो, तो सबके सब लिए ही हाँ, है और हाँ क्रिकेट हमारे आ, कॉलेज की सोसाइटी क्रिकेट की वो भी बहुत एक्टिव है मतलब मैं ज्वाइन तो नहीं कर पाया था पर हाँ वे काफ़ी अच्छी सोसाइटी है हमारी क्रिकेट की तो, तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी ध्यान है। हाँ सारे लगभग सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे चेस में भी मतलब हमारे यहाँ पे एक होता है वी पी एल होता है जहाँ पे सिर्फ हमारे कॉलेज की जूनियर और सीनियर्स का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए तो वो ऑर्गेनाइज़ करते जिसमें है ना सभी सीनियर और जूनियर आके स्पोर्ट्स खेलते जिसमें तुम्हारी मर्जी हो तुम, तुम पार्टिसिपेट करो मैंने वॉलीबॉल चेस इन सब में किया था और टेबल टेनिस में भी तो इसमें क्या है मतलब सीनियर्स के साथ बातें भी अच्छी खासी हो जाती है और खेल भी लेते हो Uh, तो ऐसे चलता रहता है राइट 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 नाइस तो आई नी आई थिंक एक स्टूडेंट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है एक हाँ. अच्छे कॉलेज में आने के बाद क्योंकि आपको इतने सारे एक्सपोजर मिलता है ना कि आप अपने इंटरेस्ट भी ढूंढ सकते हो राइट हाँ. right. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब फ्यूचर प्लान्स अभी तो ऐसे हैं नहीं पर एम तो करनी है पूरी और उसके बाद मतलब पी तो लगभग सभी करते हैं आजकल कर, वो मस्त है क्योंकि अब लोगों को पता है कि हाँ ये हड्डी का डॉक्टर है ये दिल का डॉक्टर है ऐसा बोलते हैं ना तो वो एक स्पेशलिटी करना ज़रूरी है क्योंकि उससे फिर तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ती है तो वो तो करना है ही अब स्पेशलिटी वो कौन सी मिलेगी वो तो मार्क्स पे डिपेंड करता है थोड़ा इंटरेस्ट पे भी तो पीजी करना है और पीजी हो सके तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने से राइट 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 यस ठीक है चलिए और सही है। या। तो आ, कुछ व्यूवर्स ने क्वेश्चन भेजे आपके लिए तो मैं आपसे वो पूछूंगा पहला यही है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें और उसमें मार्क्स कैसे बढ़ाएं मॉक टेस्ट तो सबसे पहले तो तुम्हारे जो मतलब वैसे होंगे एक तो कुछ कोचिंग में होते है कि वीकली टेस्ट हो रहे हैं right. वीकली में तो तुम्हें अपना वीक का सिलेबस ख़त्म करके ही देना है right. या फिर जितना भी हो पर तुम्हें देना ज़रूर है क्योंकि टेस्ट देने से ना तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से आता है या नहीं right. तो हो सके तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट दो पर दो रेगुलरली टेस्ट दो क्योंकि इससे एक आदत बनती है और फिर कुछ कोचिंग में शुरू हो जाते हैं कि है ना वन बाई फोर सिलेबस का टेस्ट हो रहा है पार्ट पार्ट टेस्ट सिलेबस शुरू हो जाते हैं ना वो काफ़ी सही होते हैं वे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्योंकि उससे ना तुम्हें एक यूनिट का ना तुम्हें पता चल जाता है पूरे यूनिट का कि ये तुम्हें आता ही नहीं टॉपिक वाइज पूरे यूनिट का ही ओवरव्यू मिलता है नहीं नहीं। तो वो एक अच्छा मतलब पार्ट है पार्ट टेस्ट और सेमी टेस्ट उसमें तुम्हारा अच्छे से एनालाइज होता है फुल टेस्ट में क्या है पूरा ही तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है और पार्ट टेस्ट में तुम हाँ ये कर सकते हो कि मेरा इस चीज़ में इस यूनिट में ये टॉपिक वीक है तो मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एनालिसिस के लिए क्या करना है एक तो पहली बात तो तुम्हें क्वेश्चन को वही डिवाइड करना है कि तुम्हारे पहले तो गलत कौन से और छूटे कौन से और सही में भी ये देखना है कि तुक्के वाले नहीं गिन रहे तुक्के वाले गिन के क्या ही होगा पेपर में थोड़ी चलेगा तुक्का तो तुक्के वाले भी अलग रखना है और जो तुक्के वाले थे और जो गलत हुए थे पहले तो गलत वालों को करना है कि ये गलत क्यों थे क्योंकि मैंने मतलब कोई ना कोई गलत अंडरस्टैंडिंग बनाई थी टॉपिक की या फिर गलत कंसेप्ट लगाया था तो उसे देखना कि उस उस कंसेप्ट को सही करना है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और वो आ, मतलब उसे सही करना है कि अगली बार ये मेरे से गलत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक का सवाल और जो छूटे थे और जो तुक्के लगाए थे क्योंकि तुक्के जो होते हैं ना वो एक तरह से छूटने वाले सवाल होते हैं तुमने थोड़ा बहुत आता था तुमने उसे कर दिया कैसे ना कैसे सो so, एक तो कैलकुलेटेड वाला होता है उसमें भी फिफ्टी परसेंट का होता है कि तुमने दो हटा दिए मान लो तो उसमें फिर भी तुम दो में तो कंफ्यूज थे ना तो उनको भी आ, जो छूटे हैं या तो छूटे होंगे या तो कि तुमने कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं था तो उन्हें भी प्रैक्टिस करनी है पर पहले गलत वाले को सही करना है hmm. और उन्हें ना जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें right. अलग से लिख लेना है कि हाँ ये वो जो मैंने बताया था ना कंडेंस नोट में शॉर्ट नोट्स उनमें लिख लेना है कि हाँ ये मेरे गलत हुए थे तो ये अगली बार नहीं होने चाहिए वो राइट right. तो आई थिंक एक मिस्टेक नोटबुक आप कह रहे हो कि वो बना हाँ मिस्टेक हाँ वो अलग से एक लिखनी चाहिए वो right. काम आती है मैंने हाँ मैंने भी हर एक टेस्ट की लिखी थी कि मेरे से ये गलत हुआ था और एट दी एंड मैंने पेपर से शायद दो तीन दिन पहले मैंने वो रिवाइज़ किए थे सारी गलतियाँ हो, अच्छा ना हो, हो राइट 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 कभी रिग्रेट होता है आपको कि यार मैं डॉक्टर क्यों बन गया आए, सच तो नहीं होता पर हाँ हम कभी कभी होता है ना कि ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है स्केड्यूल पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी लगता है यार कि गलत ले लिया एम बी बी एस पर वो अंदर ही हमें रहता है कि हाँ सही है बस अभी हमें ऊपर से लग रहा है वही हम आलसी बन गए थोड़ा सा अब आके इतनी मेहनत करने के बाद जब आते हैं तो आलसी हो जाते हैं एक एडवाइस जो आप हमारे नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे एडवाइस तो यही दूंगा कि ये जो अभी कि मेहनत हमें है ना आज मतलब ये लगता है ना कि हमें ये मेहनत अभी बहुत बुरी है नहीं करनी नहीं करनी पर एट द एंड जब है ना सिलेक्शन हो जाता है और जब कॉलेज uh, में पहुंचते हैं तो लगता है कि यार सही था कर लिया hmm. अच्छा hmm. किया कर लिया आई थिंक इट वॉज़ वर्थ इट जो मेहनत आपने लगाई ना क्योंकि यहाँ पे आके ना एक अलग ही लाइफ शुरू हो जाती है और वो लाइफ क्रैक करने के बाद ही तुम जी पाओगे और वो करो क्रैक करो right, right, right. वो तभी मज़ा आएगा right. तो व्यूअर्स ये थे हेमंत इन्होंने बताया कि लाइफ तो हैपनिंग है डॉक्टर बनने के बाद तो जितना एफर्ट आप आज के टाइम में डाल रहे हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ इट है हाईज एंड लोज आते रहेंगे उस जर्नी में बट आई थिंक असली बात यही है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम उनका रिप्लाई करेंगे प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए नीट प्रेप को थैंक यू सो मच